हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 30 अप्रैल और आप सभी के लाए हम फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर में, जहां आज ऑटो सेक्टर को हमने 5% तक अपवर्ड मूवमेंट देखी। तो ऑटो सेक्टर में आज सभी शेयर भागते हुए नजर आए, तो इसके पीछे के रीजंस क्या है जो ऑटो सेक्टर में आज हमारे को बढ़त देखने को मिली। वहीं टाटा मोटर ने आज अपर सर्किट तोड़ा और दूसरी बारी भी अपर सर्किट में वो पहुंचा लगभग 20% की ग्रोथ एक ही दिन में। ऐसा क्या हो गया ऑटो सेक्टर में कि सभी ऑटो शेयर इतना भाग रहे? तो ये रीजंस आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में हमारे को इतनी बढ़त एकदम से देखने को मिली। वहीं ये जो बढ़त है ये आगे आने वाले दिनों में स्टेबलाइज रहेगी कि नहीं रहेगी, और हम नियर टर्म में हर एक शेयर में कितना प्राइजेस को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, क्या रहेंगे हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट जो हम डेफिनेटली अचीव करते हुए इन ऑटो सेक्टर में की कंपनियों में देख सकते हैं। तो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा न्यूज जिस बेसिस पे आज हमारे को भागता हुआ दिखा। तो लगभग अगर आज बात करें तो आज ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लगभग 5% चढ़ा, जहां ऑटो कंपनीज ने अपनी रिज्यूम कर दी है पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आफ्टर ए मंथ ऑफ लॉकडाउन। तो जो ये आपको पार्शियली मैन्युफैक्चरिंग दिख रही है, इस नेजिस के सेंटीमेंट्स पे आज हमार को ये भागता हुआ दिखा। तो इस सेंटीमेंट्स के साथ एक और चीज़ जुड़ी है जो COVID-19 ट्रीटमेंट के ट्रायल जो वैक्सीन बन रही है इसकी, जिसे हम फेविपीर वीर के नाम से जानते हैं, जो लंग्स के ऊपर उसके अच्छे टेस्ट आए हैं कि लंग्स में डेफिनेटली जल्दी रिकवरी हो रही है और मेडिसिन से। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये लग रहा है कि जो COVID-19 है इसकी मेडिसिन लगभग बन चुकी है, और वहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑटो सेक्टर इस मंथ के लॉकडाउन के बाद अपना पार्शियली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगी। बेशक वो कम लिमिटेड अमाउंट में होगा, मतलब 50% में ही मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट करेगी। इसी सेंटीमेंट्स पे हमारे को ऑटो सेक्टर में तेजी बनती हुई दिखी है, और इसी वजह से आज अच्छे शेयरों में इसमें परफॉर्म करते हुए ये दिखे हैं। जैसे टाटा मोटर्स की बात करो तो जो अपने अंडर वैल्यू मिल रहा था, लगभग माइनस में पी चला गया था, वो आज लगभग 19% भागता हुआ हमारे को दिखा है। तो मैं आपको पहले भी कहा था कि टाटा मोटर इतना सस्ता पड़ रहा है, इसे कुछ ना कुछ शेयर ले लो। वहीं बात करेंगे तो मदर सोमी भी हमारे को लगभग जो टारगेट प्राइस मिल रहा है वो 103 मिल रहा है। ये मॉर्गन स्टेनली ने बताया कि इसके ऊपर मेंटेन रखी इन्होंने बाय कॉल, और 103 के प्राइस में हमारे को आता हुआ दिख सकता है। और भारत फॉग ने लगभग 12% गेन किया, और बाकी सभी ऑटो शेयर हमारे को भागते हुए दिखे। तो अब आएंगे हम टेक्निकल एनालिसिस पे, एक एक शेयर के हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में हम क्या टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रखा है मारुति के वन डे के चार्ट में हम अभी बात कर रहे हैं, और मैंने यहाँ फेबोनैची सीरीज रिट्रेसमेंट लगाया। तो फेबोनैची रिट्रेसमेंट में होता गया, जब भी कोई शेयर गिरता है और उसके बाद जब वो रिकवर होना स्टार्ट होता है तो कुछ परसेंटेज होती है जहाँ तक वो उसकी पहुँचने की सबसे पहले उम्मीद होती है। जब वो टारगेट अचीव हो जाते हैं तो अगले, तो सबसे पहले टारगेट होता है हमारा 61.8% का। जब कोई शेयर रिट्रेस करता है तो फर्स्ट लेवल इसका ये होता है, और यहाँ इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और सेम केस मारुति के केस में हुआ, ये यहाँ पहुँचा लगभग 5,500 के पास, दो बार इसने इसको ट्राई किया तोड़ने का पर ट्राई नहीं कर पाया, फिर रिकवरी आई, फिर आज ऑटो शेयर हमारे को भागता हुआ दिखा। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म में इसमें घुसना चाहता है और सोच रहा है कि मैं एक दिन में घुसूं और एक दिन में निकल जाऊं, तो मुझे लगता है मंडे के दिन 5,500 डेफिनेटली पहुंचता हुआ हमारे को दिखेगा। आप इसमें एंट्री लीजिए अगर ये 5,500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखता है, वहां स्टेबलाइज करता है 15 मिनट की कैंडल में, तो अगला ट्रेड हमारा सीधा 6,000 के लिए बनेगा, हम इसको 6,000 के लिए होल्ड करके रखेंगे। वहीं आज इसमें डिलीवरीज भी अच्छी देखने को मिली, लगभग अगर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी इसके साथ हम कंपैरिजन करें तो लगभग 31.515% की डिलीवरीज देखने को मिली। अच्छे शेयर में अच्छी डिलीवरीज हमारे को देखने को यहां मिल रही है। लगभग आज मारुति सुजुकी लगभग 5.42% तेज रहा और 274.44 पॉइंट्स अप रहा है। तो मान लो अगर आप इसने आज इसमें आपने 10 शेयर भी लिए होते, 10 शेयर भी बाय किए होते एमआईएस ऑर्डर में, तो लगभग आप 2500 निकाल के निकल जाते थे आराम से। आज इसमें ऐसी तेजी हमारे को देखने को मिली। वहीं आगे बात करेंगे हम हीरो मोटर
कॉप के बारे में, जिसका भी एक डे का चार्ट मैंने रखा है, तो यहाँ भी फेबोनैची सीरीज लगाई है। तो अभी अगर शेयर को बात करें, ये चला गया अपने 61% से ऊपर, जो लगभग ट्रेड कर रहा है 2153 रुपीज़ के आसपास। वहीं इसमें मैं भी बाय रेटिंग ही बोलूँगा, अगला टारगेट हमारे को जो दिखेगा अचीव होता 2250 में, जैसे ही ट्रेच करता है, अगर यहाँ सेलिंग प्रेशर आता है तो यहाँ आप इसमें शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर इसको मेंटेन करता है उसके बाद बाय रेटिंग में इसमें दोबारा से रखूँगा। और अगले हमारे टारगेट्स होंगे लगभग 38.2% के लिए, जो होंगे लगभग 24 के आसपास। तो आज इसमें अगर हम प्रोडक्ट डिलीवरीज की बात करें तो इसमें लगभग 26% के पास हमने टोटल डिलीवरीज देखी, ये भी एक अच्छा शेयर है। और आज देखो तो लगभग 182 पॉइंट से बढ़त में रहा, लगभग 10% की हमने इसमें तेजी देखने को मिली। तो ये ऐसे शेयर है, अगर आप इसमें छोटे ट्रेड के साथ भी लेते हो दिन में, तो आप आराम से 1500 निकालते हुए इसमें दिख सकते हो, सिर्फ आपको मोमेंटम देखना है। वहीं अशोक लीलैंड लगातार 34 के बाद एक अप ट्रेंड में चला हुआ है, और वहीं फेबोनैची सीरीज के अकॉर्डिंग ये अपने 61 प्राइस के लिए जा सकता है, जो 61.8% के लिए जा सकता है, जो इसका हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो लगभग 55 के आसपास रहेगा। अगर तो मंडे जो हमारा अगला ट्रेडिंग डे होगा, मंडे कल तो छुट्टी है, तो हमारे को डेफिनेटली ये टारगेट अचीव होते हुए देखेंगे। अगर कोई इसमें फ्रेश मोमेंट लेना चाहता है तो 61.8% का वेट करे, 55 के पास अगर मेंटेन रहता है, एक दिन इसकी कैंडल इसके ऊपर रहती है, तो आप इसमें इसके आगे वाले टारगेट्स के लिए न्यू एंट्री ले सकते हो, जो लगभग 60 के आसपास हमारे को देखने को मिलेगी, 61 और 62 के आसपास। वहीं अगर आज इसमें डिलीवरीज की बात करें तो लगभग आज 10% ये भी तेज रहा, पर डिलीवरीज इसमें भी लगभग सिर्फ मात्र 26% देखने को मिली। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अशोक लीलैंड में हमारे को ज़्यादा डिलीवरीज देखने को मिलेगी, पर इसमें अभी इतनी डिलीवरीज देखने को नहीं मिल रही है। और वहीं बात करें तो टाटा मोटर्स की, जो आज लगभग 20% अप पे क्लोज हुआ, सीधा 93 पहुंच गया। परसों ही वीडियो बनाया था कि ये फंडिंग रेज कर रहा है, और फंडिंग रेज होने के बाद इसमें मोमेंटम कैरी ऑन रहा, तो आज जो कंपनीज खुलने की बात आई है उसकी वजह से इसमें हमारे को ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, लगभग 20%। तो शॉर्ट टर्म के टारगेट मैं बोलूँगा 110 रुपये, अगर इसमें यही मोमेंटम बनता रहा तो। पर अभी दो, अगर लगातार 20% का अप चढ़ाए तो ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन भी ये 20% ही चढ़ेगा। अगर सेशन में एक दिन चढ़ गया तो रोज रोज दिवाली नहीं आएगी, थोड़ा सा इसमें संभल के रहिएगा। और वहीं अगर आज इसकी डिलीवरीज की बात करें तो वो डिलीवरीज में भी तो कुछ देखने को मिला, मात्र 22% की इसमें डिलीवरीज देखने को मिली, बल्कि शेयर लगभग 20% ऊपर चढ़ा। और ट्रेडेड क्वांटिटीज के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो लगभग इसमें ट्रेडेड भी आप देखिए 14 करोड़ के आसपास शेयर इसमें ट्रेड हुए थे, और 3 करोड़ के आसपास इसमें हमारे को डिलीवरीज देखने को मिली है। वहीं मदर सोमी, जिसके टारगेट 103 बताए जा रहे हैं मॉर्गन स्टैनली जैसे के द्वारा, वो लगभग हमारे रेंज पर रहा है 38.2% और 50 रेंज के बीच। तो अभी ये अपना जो मेंटेन कर रहा है 61.8 के ऊपर इसने आज मेंटेन करता हुआ दिखाया, और अगर अगले ट्रेडिंग डे में ये इसके ऊपर खुलता है, मतलब कि इसी प्राइस के ऊपर कहीं भी खुलता है, तो हम इसमें डेफिनेटली एंट्री लेंगे। और शॉर्ट टर्म के टारगेट हमारे मॉर्गन स्टैनली की तरह हो गए 103 परफेक्ट नहीं, हम इसको 100 में ही रखेंगे। मैं तो बोलूँगा अगर आप 95 भी रख लो तो भी आप इसमें पैसा निकाल लोगे। वहीं अगर हम बात करें इसकी डिलीवरीज की, तो आज इसमें भी डिलीवरीज कुछ ज़्यादा खास होते हुए नहीं दिखी, लगभग 24.80% हमारे को डिलीवरीज होते हुए दिखी, और शेयर आज लगभग 8.72% हमारे को तेज दिखा। वहीं अगर बात करें हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की, वनडे के चार्ट में हैं, इसमें भी रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, पर अभी बिलो बना है 61.8% के, दो बारी इस पड़ाव को, जो इसका लगभग पड़ता है 387 के आसपास, ये इसको टच करता रहा, इसको पर तोड़ नहीं पाया, इससे नीचे ही ट्रेड करता देखा। तो आप देख सकते हो यहाँ एक दो तीन बार इसने ट्राई करने की कोशिश की, पर अब दोबारा से जैसे ऑटो सेक्टर में रिकवरी दिख रही है, कंपनीज खुल रही है, तो डेफिनेटली इसमें फर्स्ट टारगेट हमारे 378 के रहेंगे। 370 के ऊपर अगर टारगेट ये मेंटेन करता है तो हम अगले टारगेट के लिए जाएंगे, जो लगभग होगा इसका 430 रुपये के आसपास। तो वहीं अगर इसकी डिलीवरीज की बात करें तो डिलीवरीज में देखोगे आप, इसमें अच्छी खासी डिलीवरीज हुई है, मतलब सब ऑटो सेक्टर में अगर आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा डिलीवरीज इसी में देखने को मिल रही है, लगभग 38.15% की मार्केट इसको लेके सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे इसको इंटरेस्टेड है,
इंटरेस्टेड है शेयर में, इसीलिए इसी में ही सबसे ज्यादा डिलीवरीज हमारे को ऑटो सेक्टर में मिल रही है। मतलब कि अगर इस शेयर में सबसे ज्यादा डिलीवरीज मिल रही है तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए ये शेयर मुझे कहीं ना कहीं रेडी दिख रहा है। वहीं आज 20% अप हमारे को, सॉरी 20 पॉइंट अप दिखा और लगभग 5.62% आज तेज दिखा। तो दोस्तों अगर वीडियो लगाओ अच्छा तो प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछिए, डेफिनेटली मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।